श्री मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर पिंड चैलां चंडीगढ़ और लुधियाना विखे सावन दे पवित्र महीने दे सोमवार नूं संगतां दा उत्साह देखण नूं मिलिया। संगतां ने शिवलिंग ते दुध दही चढ़ा के भगवान शिव दा आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर कमेटी वालों संगतां नूं सैनिटाइज करन दा खास प्रबंध किया गया सी। मंदिर दे पंडित ने दस्सिया के बेल पत्तर नूं भी सैनिटाइज किया गया है। इस मौके ते प्रधान चंद्र मोहन शर्मा, बलजिंदर कुमार शर्मा, पवन कुमार, अशोक कुमार, बलदेव कृष्ण, कुलदीप वर्मा, भूषण बंसल, जरनैल सिंह, विवेक गोट, जसवीर सिंह, हरी सिंह बिल्ला फोटोग्राफर आदि हाजिर सन। पंडित जी, आपका नाम क्या है? जय भोलेनाथ जी, मेरा नाम सुरेश गुरु जी और मैं श्री मुक्तेश्वर महादेव धाम चैला का मुख्य पुजारी हूँ। तो पंडित जी, आज सावन का सोमवार है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आज पूर्णमासी से सोमवार दूसरा सोमवार आज चल रहा है और ये सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है इन 12 महीने में से। इस महीने में जो भी भक्त पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। वैसे इसका शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस मंथन में जो विष हाल विष निकला था उसको भगवान शिव ने ग्रहण किया था। उस जब भगवान शिव ने ग्रहण किया था उनकी पूरी बॉडी जो है वो गर्म हो गई थी और पूरी पृथ्वी आकार मच गया था। उसके लिए सभी देवी देवताओं ने उनका अभिषेक जल अभिषेक किया जिससे सारी पृथ्वी ठंडी हुई। तब से भगवान शिव ने कहा कि जो भी मेरे शिवलिंग का अभिषेक करेगा और खासकर सावन के महीने में उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जो भी उसके अंदर मतलब जो भी उसकी मनोकामना सारी पूरी होगी और उसकी जितने भी रोग कष्ट हैं वो सब दूर होंगे। तो पंडित जी, जैसे कोरोना महामारी चल रही है उसको देख के श्रद्धालु भी बहुत कम आ रहे हैं, इसके बारे आपका क्या कहना है? ये जो कोरोना महामारी है उसके वजह से इस मंदिर में काफ़ी श्रद्धालु कम आ रहे हैं और मात्र थोड़ा ही श्रद्धालु आ रहे हैं जो भी मतलब हम यहाँ पर हमने अपने मंदिर में पूरी व्यवस्था की है उनके लिए किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत ना आए। जैसे सैनिटाइजर यहाँ मशीन लगाई गई है, साथ में उनके हाथ धोने की भी व्यवस्था अच्छी की गई है और जो जल सब्जी भी पड़ रहा है चल रहा है जिस बर्तन से चला रहे हैं वो भी सैनिटाइजर हो रहा है और उसके द्वारा वो भगवान शिव के अंदर अभिषेक कर पा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या जी? मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं लुधियाने तो हाँ। वैसे तो आप जो भी ईश्वर के मोहरे सिर झुकाने साल का कोई भी दिन हो इंपोर्टेंट ही होंगे या सूँ वह शुभ कर्म से साढ़े काम होंगे वो, पर फिर भी सावन के महीने का एक अलग ही महत्व है। बुजुर्गों तो सुनया है कि टाइम पर एक राक्षस हों बहुत ऋषिया मुनियों तंग करता से, एक पेड़ पर बैठा सी रात के टाइम पेड़ पर बैठा रहा जिमें दिन चढ़िया गलती नाल बाई चांस वो पत्ते बिल पत्तर के पेड़ पर बैठा सी, बिल पत्तर के कुछ पत्ते वो टुट के नीचे शिवलिंग से शिवलिंग से गिर गए। उस शिवलिंग दे ते वो पत्ते गिरन दे नाल उदे बहुत सारे पाप कटे गए जबकि उन्होंने ऋषि मुनि ने इन्ना तंग किया कि वह नरक का भागी सीगा, पर शिवजी के उपर इस महीने के अंदर बिल पत्र गिरन नाल उदे सारे पाप कटे गए। तो जब तो इस महीने च कहते बई शिवजी से जल चढ़ाना और बिल पत्र चढ़ाना की बहुत ज़्यादा महत्ता आ। सुख समृद्धि का दाता तो वैसे भी है शिव, लेकिन अगर इस महीने च सावन के महीने चढ़ाने जल चढ़ाने कच्ची लस्सी चढ़ाने सुख शांति घर जाती है और ईश्वर कृपा करता है। पंजाब दर्पण न्यूज़ लुधियाना तो नंद लाल की विशेष रिपोर्ट।